हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। होप आप लोग सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, कुछ ही दिनों में करवा चौथ का फेस्टिवल आने वाला है, तो इस फेस्टिवल के लिए मैं एक बहुत अच्छा थाली डेकोरेशन का वीडियो आपके साथ शेयर करने आई हूँ। इसके लिए हम एक प्लेट लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो मेरे पास प्लेट है उसमें पहले से ही रेड कलर किया हुआ है। मेरे पास ये रंगोली की एक ऐसी पैटर्न वाला एक कटिंग है जो कि मैंने एक मैगजीन से कट किया है। आपको कोई भी कटिंग मिले आप वो भी यूज कर सकते हैं। इसको मैं पहले यहाँ बीच में ऐसे स्टिक कर देंगे हम, और फिर इसको डेकोरेट करेंगे। आज का जो DIY है वो बहुत ही इजी और सिंपल है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पेपर पेस्ट कर दिया। अब मेरे पास ऐसी गोल्ड लेस है, वो हम इसके सर्कल में चिपकाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमने ऐसे राउंड में चिपका दिया। अब मेरे पास ऐसी वाली येलो लेस है, इसको हम यहाँ पे साइड में पेस्ट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमने पेस्ट कर दिया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ये ऐसी लटकन वाली लेस है, इसको हम साइड में ऐसे चिपकाएंगे। फ्रेंड्स, अब मेरे पास ऐसी एक ब्लू कलर की डोरी है, इसको हम इस लेस के ऊपर ऐसे पेस्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, ये सेम डोरी हम यहाँ पे भी चिपका देंगे, नीचे बेस में भी। देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स, अब मैं ये 3D आउटलाइनर लूंगी।
और जहाँ पे ये हमने रंगोली पेस्ट की है उसकी हम बॉर्डर कर लेंगे। अब मैं यूज कर रही हूँ व्हाइट आउटलाइनर। रेड देखिए फ्रेंड्स, हमने कितनी ब्यूटीफुल थाली सजा दी है। अब मेरे पास ऐसे मिरर है, ये प्लास्टिक के मिरर है, इसको मैं रैंडमली यहाँ पेस्ट कर दूंगी। कुछ हम यहाँ रंगोली के अंदर भी पेस्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ कुछ जगह खाली थी तो मैंने उसको ऐसी वाली डोरी से, रेड एंड गोल्ड से, इसको मैंने कवर कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी पूजा की थाली तैयार हो गई है। अब हम करवा को डेकोरेट करेंगे। करवे को मैंने
पहले से ऑयल पेंट कर दिया है रेड, और फिर मैंने ये 3D आउटलाइनर से ऐसे फूल की डिज़ाइन बना दी, और यहाँ पे एक सिंपल सी लेस लगा दी है। आप चाहो तो ऐसी पॉम्पम वाली जो लेस होती है वो भी यहाँ पे ऐसे स्टिक कर सकते हो। तो देखिए हमारा करवा भी तैयार हो गया है। मैंने यहाँ सिंपल फ्लावर वाली डिज़ाइन बनाई है और बीच बीच में एक मिरर पेस्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स मैंने ये छलनी ले ली है, पहले हम इसको पूरा रेड कलर से पेंट कर देंगे। अब हम दिए को भी पेंट कर देंगे। अब हम ये जो बीच बीच में जो गैप है वहाँ पे ऐसे वाले मिरर एक एक पेस्ट कर देंगे। अब हम 3D आउटलाइनर से एक एक डॉट ऐसा नीचे नीचे कर देंगे। अब मैंने ये दिया ले लिया है, दिए पे हम मिरर ऐसे पेस्ट कर देंगे। अब 3D आउटलाइनर से इसकी बाउंड्री कर देंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी करवा चौथ के लिए कितनी ब्यूटीफुल हमने थाली सजा ली है। होप आप सब लोग एंजॉय करेंगे करवा चौथ का फेस्टिवल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।